प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। क्वांटम मैकेनिक्स ई कंटेंट की श्रृंखला में जो BSc फाइनल ईयर वो MSc प्रीवियस में फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में ये पढ़ाया जाता है, और यदि आप नेट की परीक्षा देते हैं, GRF की परीक्षा देते हैं, तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत बड़ा महत्व रहता है। उसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपको समझ लेना है और इनका उपयोग करके आप अपने विश्वविद्यालय की परीक्षा में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अपन इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए आज अपन क्रम विनिमय गुणधर्म या कम्यूटेशंस रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कम्यूटेटर एंड व्हाट आर द कम्यूटेशंस रिलेशंस। तो अपन छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, कर्म विनय गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म, बंटन गुणधर्म, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेशंस प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ। तो उसी मैथमेटिक्स का ये एक भाग है जिसमें अपन कहेंगे कम्यूटेशंस रिलेशंस। तो अपन कहेंगे कि क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है, व्हाट इज कम्यूटेशंस प्रॉपर्टी, कि यदि ऐसी दो संख्याएं जिसको अपन गुणा करें तो गुणनफल वही प्राप्त होता है, और यदि उसका क्रम बदलें और फिर गुणनफल करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अपन के ए को बी से गुणा करें तो वही मान प्राप्त होता है जो कि बी को ए से प्राप्त करें, गुणा करें तो ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, ए बी बराबर बी ए, यानी क्रम बदलने पर उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको अपन कहते हैं कम्यूटेशंस रिलेशंस। या अपन इन दोनों का डिफरेंस निकालें, ए बी माइनस बी ए, जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका अंतर क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। अब अपने पास दो ऑपरेटर ए और बी ये संकारक हो गए तो अपने क्या होगा, ए बी माइनस बी ए इक्वल टू जीरो। और इस कम्यूटेशंस रिलेशन का ये पालन करते हैं, इसलिए इसको लिखने का तरीका क्या है, आप जो बड़ा ब्रैकेट है जिसको अपन गुरु कोष्ठक कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट लेंगे और पहला ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेटर लिख करके इसके बीच में कॉमा का चिन्ह लगाएंगे, ये अपना कम्यूटेशंस रिलेशंस का बताता है। तो अब ए और बी दो कम्यूटेटर हैं और दोनों, यदि दो ऑपरेटर हैं और दोनों कम्यूटेशंस रिलेशन का पालन करते हैं तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू जीरो, दोनों बड़े ब्रैकेट में और बीच में कोष्ठक आएगा। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, यदि सी डी है तो क्या लिखेंगे, सी डी माइनस डी सी, और यदि एक्स पी एक्स है तो क्या लिखेंगे, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स। अब यदि ये दोनों कम्यूटेशन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ये क्या हो गए कम्यूटेशन रिलेशन। अब अपन ये कहेंगे, इसको ये लिखने का तरीका है अंकों में, अब अपन क्वांटम मैकेनिक्स में ये कहेंगे कि ए बी क्या मतलब होगा, ए बी माइनस डी ए, सी डी का मतलब क्या होगा, सी डी माइनस डी सी, एक्स पी एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स पी एक्स माइनस डी एक्स। अब अपन इसको क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करेंगे कि जैसे आपके पास एक्स और पी एक्स दो ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू आयोटा एच क्रॉस पी है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो पी एक्स की वैल्यू अपन जानते क्या होती है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स। तो अपन कहेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड में ले एक्स पी एक्स के आगे अपने एक करण फलन या आइगन फलन लगा दिया साई, इसको अपन कैसे लिखेंगे, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स साई, ये साई अपना क्या है, वेव फंक्शन है, यानी इसके ऊपर ही दोनों संकारक लगाएंगे, ये अपने कम्यूटेशन संकारक का। अब अपन ये कहेंगे कि एक्स पी एक्स आई में एक्स पी एक्स की वैल्यू अपन जानते हैं माइनस आयटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि अपने पढ़ा था पी बराबर माइनस आयटा एच क्रॉस डेल, और एक्स घटक है तो अपन पी एक्स बराबर माइनस आयटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और पी वाई है तो क्या लिखेंगे, माइनस आयटा एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई, अपना एक्स माइनस आइटा एच प्लस डेल बाई डेल एक्स माइनस माइनस आइटा एच प्लस डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स इंटू साई। तो ये अपने मंझले कोष्ठक में लिख दिया ब्रास ब्रैकेट में, और ये अपना साई हो गया। अब आपने देखिए इसको अपन लिखेंगे एक्स माइनस आइटा एच प्लस डेल बाई डेल एक्स इंटू ये साई जो बाहर आएगा, इसमें माइनस एच प्लस होगा आइटा एच प्लस डेल बाई डेल एक्स, और ये जो एक्स है डेल बाई डेल एक्स के बाहर है, अपन क्या लिखेंगे इसको, एक्स साई। अब आगे देखें ये दो फंक्शन है तो अपन इसका
डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे रखा, दूसरे का एक्स के सर्विस करेंगे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, फिर एक्स को डी एक्स के सर्विस करेंगे तो वन, और ये प्लस वाई का क्या हो जाएगा, ये डेल बाई डेल्टा एक्स का अपना वन हो गया, डी साइड बचेगा। अब इसको अपन खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस आइटा एच प्लस एक्स डेल साइड बाई डेल्टा एक्स प्लस आइटा एच प्लस एक्स डेल साइड बाई डेल्टा एक्स प्लस आइटा एच प्लस, ये और ये क्या है दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा आइटा एच प्लस वाई, ये देखिए दोनों बराबर साइज साइज अपने यदि हटाए तो क्या होगा एक्स पी एक्स बराबर आइटा एच प्लस, ये अपना क्या है राइट हैंड। इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं ऐसे कैसे, यदि दोनों सेम है एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड वाई पी वाई जेड पी जेड, इसकी वैल्यू भी क्या होगी आइटा एच प्लस। अब अपन दूसरा ये प्रूफ करेंगे कि एक्स पी वाई कम्यूटेशन रिलेशनशिप ऑफ एक्स एंड पी वाई इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखिए आप एक्स पी वाई इंटू साई क्या होगा एक्स पी वाई माइनस पी वाई एक्स इंटू साई। अब अपनी पी वाई की वैल्यू क्या होगी माइनस आइट माइनस आइटा एक्स प्लस ए बार डेल वाई माइनस माइनस आपका आइटा एक्स प्लस ए बार डेल वाई फिर एक्स और ये साई। अब अपन इसको कैसे करेंगे, ये साई जो अपना बार है ये दोनों के साथ था इसको थोड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ इसको लंबा। अब इसमें क्या होगा कि x माइनस आइटा एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू ये साई बाहर आ जाएगा बिल्कुल बाहर है, और यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा आइटा एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई और ये अपना साई x और साई। अब देखिए आगे ये अपन करेंगे तो x क्या है यार कांस्टेंट होगा पैरेलल टू फंक्शन है और इसका डेल बाय डेल वाई तो अपन यदि x के सब्स करेंगे y के सब्स x का करेंगे तो वो जीरो होगा, तो क्या होगा ये आइटा x क्रॉस ये x अपने बाहर आ जाएगा और डेल साइड बाय डेल वाई ये और ये दोनों कट जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो x पी वाई इक्वल टू जीरो क्योंकि साइज नॉट इक्वल टू जीरो अपना वेव फंक्शन है, तो अपन y और पी जेड ये दोनों डिफरेंट है x और y जेड और x तो ये भी क्या होगा जीरो होगा। इस प्रकार अपने इस कम्यूटेशन रिलेशन में ये पढ़ेंगे पढ़ चुके हैं कि एक्स पी एक्स आइटा एच क्रॉस वाई पी वाई जेड पी वाई पी जेड पी आइटा एच क्रॉस है जबकि एक्स पी वाई वाई पी जेड और जेड पी एक्स क्या होता है जीरो होता है। ये अपने कम्यूटेशन रिलेशन आते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी करो। इसके आगे अपन आगे और इसी कम्यूटेशन रिलेशन जो एंगुलर मोमेंटम के होते हैं एल इक्वल टू आर क्रॉस पी में एल एक्स एल वाई वो भी अपन पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। आज आप इतना ही, कल इसको वापस रिवाइज करके आगे चलेंगे। धन्यवाद। क्या हो गया 5